दोस्तों कहते हैं कि सफलता के पीछे भी बहुत सारी असफलताओं का हाथ होता है, और ऐसी ही कुछ कहानी रही है YouTube के गिने चुने सबसे सफल यूट्यूबर्स में से एक कैरिंग मिनाटी की भी, जिन्हें कि भारत के अंदर रोस्टिंग कल्चर को लाने के लिए जाना जाता है। और दोस्तों मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले तक भारत में इस तरह के कंटेंट पर शायद ही कोई काम करता होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैरी मिनाटी ने पहली बार कुछ ट्राई किया हो और वे सफल हो गए। दरअसल इस सफलता के पीछे भी उन्हें कई सारी असफलताएं झेलनी पड़ी, और इन सभी चीजों के बारे में आप आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जून 1999 से, जब अजय का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक गुर्जर परिवार में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई भी है जो कि एक गिटारिस्ट के तौर पर काम करते हैं। और अगर बात करें अजय नागर के शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से की। हालांकि पढ़ाई लिखाई में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और महज 10 या फिर 11 साल की उम्र में ही उन्होंने YouTube पर अपना चैनल बना लिया, जहां पर वह अलग अलग तरह के वीडियोस को अपलोड किया करते थे। जैसे कि कभी वह फुटबॉल ट्रिक्स बताते, तो कभी उसी चैनल पर ही वह वीडियो गेम्स की रिकॉर्डिंग डालते। और दोस्तों पढ़ाई लिखाई को छोड़कर इन सब कामों में अजय का बहुत मन लगता था। हालांकि स्टिल्थ फियर्स नाम के बनाए गए इस चैनल पर उन्हें कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उस समय तक उनके किसी भी वीडियो पर 500 से ज्यादा व्यूज नहीं आए। दरअसल इसकी मुख्य वजह यह भी थी कि उम्र में काफी कम होने की वजह से लोग उनको ज्यादा अटेंशन नहीं देते थे। लेकिन दोस्तों अजय ने तो मानो इतनी छोटी उम्र में ही यह सोच लिया था कि उन्हें यूट्यूब पर ही कुछ बड़ा करना है, और इसीलिए एक चैनल असफल होने के बाद भी उन्होंने 15 साल की उम्र में एक नया चैनल बनाया, जिसका नाम कैरी ने एडिक्टेड A1 रखा। और यहाँ पर भी वह गेमिंग करते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने फनी कमेंट्री करने भी शुरू कर दी थी, जैसे कि वह सनी देओल और ऋतिक रोशन जैसे ही कई सारे बॉलीवुड स्टार्स की मिमिक्री भी किया करते थे। हालांकि काफी मेहनत करने के बाद कैरी ने 2 साल में करीब 150 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, लेकिन अंत में यह समझ आया कि लोग कैरी मिनाटी के गेम प्ले को देखने के लिए कम, बल्कि उनकी फनी कमेंट्री सुनने के लिए ज्यादा आया करते थे। और इसी वजह से अजय ने अपने चैनल का नाम बदलकर कैरी देओल कर दिया, और अब अजय नागर अपने चैनल पर गेम प्ले के साथ साथ छोटे आर्टिस्ट की रोस्टिंग भी किया करते थे। दरअसल यह आइडिया शायद उन्होंने विदेश में पहले से ही चल रहे कंटेंट से लिया हुआ था, लेकिन भारत में यह बिल्कुल नया था, और इसी वजह से लोग कैरी को पसंद भी कर रहे थे। हालांकि दोस्तों कैरी के चैनल को सबसे ज्यादा लोकप्रियता तब मिली जब उन्होंने उस टाइम काफी तेजी से फेमस हो रहे यूट्यूबर भुवन बाम को अपने चैनल पर रोस्ट किया। दरअसल बेबी की वाइंस आज तो फेमस है ही, लेकिन उस समय भी इनकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही थी। और फिर हिम्मत जुटाकर जब कैरी ने बेबी की रोस्टिंग की, तब इस वीडियो पर भी कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज आ गए, और अब अजय नागर का यह चैनल काफी तेजी से ग्रो करने लगा। और दोस्तों यही वह समय था जब अजय ने अपने चैनल का नाम अंतिम बार बदलकर कैरी मिनाटी रख लिया। और फिर आगे चलकर जब कैरी थोड़े सफल हो गए, तब उन्होंने फेस कैम करने भी शुरू कर दिए, और अब वह अपने अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन से भी लोगों को हंसाने का काम करते थे। हालांकि इन सभी चीजों के बीच वह अपनी पढ़ाई तो मानो भूल ही गए थे, और इसी वजह से 12th के एग्जाम से ठीक पहले उन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी और फिर ओपन स्कूल से अपनी पढ़ाई जारी रखी। हालांकि दोस्तों कैरी मिनाटी के पैशन में उनके मम्मी पापा ने उनका पूरा साथ दिया, और शायद उन्हीं की वजह से ही कैरी मिनाटी आज इस मुकाम पर खड़े हैं। हालांकि दोस्तों सफलता के राह में मुसीबतें कहां साथ छोड़ती हैं। लोगों पर रोस्ट बनाए जाने की वजह से उनके चैनल पर कई बार स्ट्राइक्स भी आए, और एक समय तो ऐसा था कि 3 स्ट्राइक्स एक साथ आ जाने की वजह से उनका चैनल खतरे में भी आ गया। हालांकि कैसे भी करके इन प्रॉब्लम से कैरी मिनाटी बाहर आ पाए, और कहा जाता है कि अब वह ज्यादातर रोस्टिंग लोगों की परमिशन लेकर किया करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो खुद कह रहे ही जाने, लेकिन यह बात तो है कि रोस्टिंग में उनके आगे पिछले कई सालों से कोई भी नहीं आ पाया है, और फिलहाल उनके चैनल पर 15 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो शायद यह आंकड़ा और भी आगे जा चुका होगा। हालांकि इसके अलावा भी कैरी मिनाटी कैरीज लाइव नाम के एक दूसरे चैनल पर भी गेम प्ले किया करते हैं, और वहां भी उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 5 मिलियन के आसपास है।